कई कई जगह जान पहचान की उनकी शादियाँ होती है, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए, आधे आधे घंटे के लिए सब जगह जाते हैं। शाम को 6 बजे घर से निकलते हैं, जिस दिन लगन का समय होता है उस दिन रात को 1 बजे घर आते हैं, 8 जगह जाके अटेंड कर आए, और फिर 2-3 जगह छूट जाते हैं, उनको फोन से माफ़ी मांगते हैं। इतने विस्तार की जरूरत नहीं है, इतना विस्तार करने पर एक काम होगा कि जब हम दुनिया से जाएंगे तब हमारे अर्जी के साथ 25-50 नहीं 1000-1200 आदमी चले, क्योंकि हमने सबके इस तरह से साथ लिया तो वो बस शमशान तक वापस हमारे साथ देंगे। पसारे को समेटना है, इतने की जरूरत नहीं है, इतना होगा तो फिर मालिक का नाम लेने का समय नहीं मिलेगा। बहुत पसारा जिन करो कर तोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया सोई गए निराश। ऐसे ऐसे सावधान सत्संगी होते हैं, वो दरअसल में साधु हैं, वो कभी तो बोल लेते हैं किसी से, और कभी ऐसा समय होता है कि जब सामने वाला उनसे बातचीत करना चाहता है तो वो जवाब नहीं देते, जानबूझ करके सुना अनसुना करते हैं। ऐसा क्यों? वो जानते हैं कि फालतू की चर्चा शुरू होने ही वाली है, पता चल जाता है सामने वाले के मुंह से भी कि ये फालतू की बात शुरू होगी और अब कहाँ से इसका अंत तो है नहीं, तो वो जानबूझ करके जवाब नहीं देते। कम बोलना है तो अभी अपनी बातचीत यहाँ तक पहुँच सकती, कम खाना, कम सोना, कम पहनना, कम संपर्क रखना, कम बोलना, कम कमाना, कम संचय करना, सब चीज़ कम करनी है दुनिया में। दुनिया को आखिर में छोड़ना है तो कम से कम आज से ही कम करना शुरू करेंगे, तो जिस दिन हमें दुनिया छोड़ने का आखिरी क्षण आएगा तब हमें तकलीफ कम होगी। जितना पसारा समेट लेंगे हम अपने जीवन काल में उतनी तकलीफ सचमुच में कम हो जाएगी। आधे से ज़्यादा समेट लिया तो आधे से ज़्यादा तकलीफ कम होने वाली है, पूरा समेट लिया तो कोई तकलीफ नहीं होगी, और यदि पसारा बढ़ा लिया तो जाते वक्त असह्य पीड़ा भोगनी पड़ेगी, और जाने के बाद भी पीड़ा या दुख और संताप का कोई सीमा नहीं है। यदि यहाँ धन में ममत्व रह गया तो सामपन करके भी आ सकते हैं, परिवार में बहुत ज़्यादा आ सकते ममत्व रह गया, परिवार के किसी सदस्य में बहुत ज़्यादा ममत्व रह गया तो वापस इसी परिवार में आने की हमारी ख्वाहिश रहेगी, लेकिन हमें इस परिवार का सदस्य कुदरत बनाती है कि नहीं बनाती है ये तो हमारे हाथ में नहीं, मनुष्य देह मिलती है कि नहीं मिलती है हमारे हाथ में नहीं, तो हो सकता है कि इस घर के बाहर का कुत्ते कर हमें शरीर मिल जाए कि इस दरवाजे पर वापस ले जाना पड़े, तो बहुत खतरा है। बहुत पसारा जिन करो कर थोड़े किया, ये सदगुरु कबीर साहब की दिव्य वाणी है, और हम बादवी साहब के संतों के सदगुरु कबीर साहब जी के मुख्य मुख्य उपदेशों पर 12-13 दिन में चर्चा करने की कोशिश पर विचार करेंगे, इसको याद करेंगे और इसको अपनाने की कोशिश करेंगे। तो ज्ञान दृष्टि का पहला सबक यह है, समझदारी का पहला लक्षण यह है, विवेक का पहला पायदान क्या है, सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है, अज्ञान की भूमिका से ज्ञान की भूमिका में जाएंगे तो जो सीढ़ियाँ हैं उनका पहला पायदान भगवतिया यह है कि हमें दुनिया से अपने बेताव को पसारे को कम करना है। सदगुरु कबीर साहब जी ने फरमाया बहुत पसारा जिन करो, भाई बहुत ज़्यादा फैलाव दुनिया में मत करो, सुमरण करना परमार्थ की उमंग बढ़ाना, परमार्थ की सेवा के सत्संग के बाहरी परमार्थ के और आंतरिक परमार्थ के कामों को ज़्यादा से ज़्यादा करना इसकी मनाही नहीं है। इस पसारे से मतलब है दुनिया के अंदर जो हमारा फैलाव है, ये दुनिया माया है, यह काल की तरफ हमें खींच के ले जाने वाली है,
तो बहुत पसारा जी निकलो कर थोड़े की आस। अब यदि दुनिया से हमें आशा भी रखनी है, रखनी ही पड़ती है, बसते हुए भी रह जाती है आशा, तो कम तो कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते तो कम तो करें। यदि बहुत ज़्यादा आशा रखेंगे, यदि मेरे मैं ये काम ना करूँ कि परमात्मा दया करें, लोग तो परमात्मा से यही मांगते हैं ज़्यादातर कि ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति दें, ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति दें, ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति दें। तो यदि बहुत ज़्यादा की मैं कामना करता हूँ, मान लो संख्या में तय करेंगे मैं 50 करोड़ की कामना करता हूँ, तो यदि मुझे 20 करोड़ का लाभ हो जाएगा तो उनमें संतोष नहीं होगा, 30 करोड़ और कब होगा, तो होगा ही नहीं, बुढ़ापा आ गया है, कमाई कैसे, व्यापार धंधा कमाई के साधन सीमित हो रहे हैं, पहले जैसा जमाना नहीं रहा, पैसा कहीं डूब गया है, 20 करोड़ से क्या होगा, 50 करोड़ का प्लान बनाया था, कमा नहीं पाए इतना, अब 20 करोड़ आते हुए भी असंतोष की आग में, कृष्णा की आग में जल रहा हूँ। और यदि संतोष हो, अरे 20 करोड़ का क्या करना है भाग जी, ये तो मेरे लिए बंधन हो जाएगा, आपके चरणों से दूर हो जाऊँगा, दया करो मुझे तो आप, मेरा पेट तो हमेशा आप भरते हैं, जब मेरी जरूरत होती है उसके पहले तो आप व्यवस्था कर देते हैं। अपन सोचते हैं ऐसा हो सकता है क्या, सचमुच में ऐसा ही होता है। यदि बाप जी के भरोसे रहें तो जब अपने भौतिक आवश्यकताएं अंकुरित होंगी, हमें मालूम नहीं कल क्या होने वाला है, पता नहीं कल क्या आवश्यकता आगे पड़े, हमें मालूम नहीं है, लेकिन यदि बाप जी के भरोसे हैं तो कल जो जरूरत सामने आएगी उस जरूरत के आने के पहले बाप जी हर हालत में निश्चित तौर पर गारंटी शुदा इंतजाम करते हैं, सब सेवकों का करते आए हैं, जो जो 100% भरोसा उनके ऊपर रखते हैं। बल्कि ये तो महापुरुषों का सिद्धांत है, मेरा मानना यह है कि 100% में यदि कमी भी रह जाए, भरोसा रखते रखते भरोसा कभी कभी अपना पूरा साथ नहीं भी दे पाता है, तब भी बाप जी बड़े दयाल हैं, उनका दिल बड़ा है, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो हमारे गुनाह नहीं देखते, हमारे भरोसे में कमी है इस कमी की तरफ नज़र नहीं करेंगे, और हमारी सार संभाल रख रखाव परमार्थी और दुनिया की दीन की और दुनिया की स्वार्थ की और परमार्थ की भक्ति मार्ग की करनी की मन से लड़ाई झगड़े में मदद की वो सार संभाल भी और दुनिया में हमारे निर्वाह की जिम्मेदारी भी 100% से ज़्यादा पूरी करते हैं। और ये कोई कपोल काल्पनिक बात नहीं है, यदि हमें अपने बाप जी के वचनों पर भरोसा हो तो बाप जी के वचनों में ये बात बाप जी ने तो हमेशा फरमाते थे, कई बार तो मैंने सुनी और प्रवचनों में रिकॉर्ड है, इसलिए सद्गुरु मत प्रकाश में छपी हुई है, और ये जो सद्गुरु मत प्रकाश में छपी हुई है ये शब्द से शब्द बाप जी के मुखार देने के वचन हैं, जो टेप किए गए थे और उन्हीं को वापस लिपिबद्ध किया गया है, इसलिए इसमें कोई शंका नहीं, और अभी भी वो हम सुन सकते हैं, उपलब्ध है और पढ़ सकते हैं, किताब में छपा हुआ है। बाप जी साहब ने फरमाया एक विष्णु भगवान की नारद जी की कथा के प्रसंग में कि भाई कोई भक्ति करता नहीं है, विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, अरे नारद जी कोई भक्ति नहीं करता, यदि लोग भक्ति के रास्ते पर आ जाएं। अब ये बाप जी साहब ने आम सत्संग में इसी तरह के देश के उत्सव में आम सत्संग में फरमाया था कि यदि सब लोग भक्ति करने लग जाए नारद जी तो हम जो है गर्मा गर्म समोसा कोफ्ता मिर्ची बड़ा पेड़ों में लगा देंगे, क्या बात करते हो आप। अब बाप जी साहब ने कहे, अब देखो तुम्हें मिर्ची बड़ा चलता है कि नहीं चलता है ये मुझे नहीं पता, बाप जी साहब ने फरमाया इसलिए बात 100% सत्य है और इसका 100% सत्य मर्म यह है कि जो कुछ भी हमारी जरूरत होगी वो मालिक पूरी करे। तो फिर ज़्यादा की आशा क्यों रखना, ज़्यादा की आशा रखेंगे तो इस जगत से जब जाएंगे तब निराशा की दशा में जाना। बहुत पसारा जिन करो कर घोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया सोई गए निराश। जाना तो सबको पड़ेगा, सारी कामनाएं किसी की पूरी होती नहीं,
सुखी हो करके संतुष्ट हो करके वो जाते हैं कि जिनको तो कुछ चाहिए ही नहीं था, खाली हाथ आए खाली हाथ चले भी गए। जो बटोरते हैं कि हम साथ ले जाएंगे, उनको निराश होती है कि हमने बटोरा हुआ तो रखा है लेकिन ले कैसे जाने, तो वहाँ ले जा सकते नहीं। जिन्होंने बटोरा ही नहीं उनको साथ ले जाने की समस्या ही नहीं। तो परमार्थ जो हमारी उन्नति नहीं होती, इस समस्त विवेचन का आज की वार्ता का सार क्या है कि दुनिया अलग है, अलग दिशा है, माँ जी के चरणों की तरफ का रास्ता अलग है। हम जो है वो दोनों को साधना चाहते हैं, एक उत्तर को जाता है दक्षिण को जाता है, एक आकाश को जाता है दूसरा पाताल को जाता है, दोनों सत्य नहीं। या तो संसार से दूरी होगी तो माँ जी से निकटता बढ़ेगी, यदि संसार से निकटता बढ़ गई तो आगे बोलने की जरूरत नहीं है, बाद में से उतनी दूरी हो जाएगी। पहले दुनिया से तोरिया वे तब बात प्रिया की पूछिए जी। अब ये वाणी जो है वो बहुत मार्मिक और सटीक और पलटू साहब जी की वाणी है, खरी खरी आप फरमाया करते थे, आपकी ऐसी शानदार शैली थी, कोई आके कह साहब क्या करें, प्रीतम का हाल बताओ, मालिक के दरबार का क्या रवैया है, क्या मर्यादा है, क्या रीत रिवाज है, कैसे वहाँ जा सकते हैं, कैसे उनके दर्शन करें, कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें। तो पलटू साहब ने दो टूक फरमाया, ये तो सत्य बात है, प्रेम से फरमा रहे हैं। पलटू साहब फरमाते हैं, पहले संसार से तोड़ आवे तब बात पिया की पूछिए, भैया पहले संसार से तोड़ करके और उसका तब जाकर के उधर का हाल पूछना। अभी क्या बताएं, फालतू बताने से क्या फायदा, दुनिया के अंदर दसी हुई तो जो संत फरमाएंगे वो हम रखेंगे कहाँ, वो हमारे दिमाग में बैठेगी नहीं, पाठ्य ज्ञान बढ़ जाएगा। पहले संसार से तोड़ आवे तब बात किया की पूछिए जी, तलवार दुई तो म्यान एक किस भांत सेवा में की, एक म्यान हो और उसमें दो तलवार डाले तो नहीं जाएगी। म्यान तो बड़ी हुई होती है तलवार के नाम की, तलवार के ऊपर का कवर है, जैसे कार्टून के अंदर सब चीज़ टैप होके आती है तो तलवार का कार्टून है म्यान, अब वो तो उसी के साइज का बड़ा होता है जिस साइज की तलवार होती है। एक म्यान में दो तलवार यदि डालना चाहें तो अंदर जाएगी नहीं जाएगी तो म्यान फट जाएगी। तो संत कहते हैं कि दुनिया से उतना ही लगाव और रोज बढ़ता हुआ लगाव, और कहते हैं बात से भी हम प्रेम करेंगे रोज बढ़ता हुआ प्रेम करेंगे, तो भाई ये बात नहीं होगी, एक ध्यान में दो तलवार न तो कहीं सुनी गई न देखी गई। तलवार दो इठो म्यान एक एक किस भांति सेवा में कीजिए जी, मीठे प्याले को दूर करो करु प्रेम प्याला पीजिए। पलटू साहब फरमाते हैं ये दुनिया जो हमें मीठी लगती है ना, है तो दुनिया दर्शन में जाए लेकिन हमें तो मीठी लगती है। सांप के खाए हुए को कहते हैं कि जब नीम खिलाया जाता है तो नीम उसे कड़वा नहीं लगता, मीठा लगता है। पुराने जमाने में शरीर में जहर कितना है, कितना असर बाकी है, कितना तेल गया है, इसको जांचने के ज़्यादा विकसित तरीके नहीं थे। तब क्या करते थे वेदराज जी या इलाज करने वाले लोग, जिसको सांप ने काट खाया है उसको नीम खिलाते थे, तो नीम खाता था आराम से खूब सारा, उसको पूछते थे कड़वा लग रहा है, वो बोलता था नहीं मीठा लग रहा है, क्यों, नीम तो कड़वा ही होता है लेकिन उसके शरीर में जहर का असर है। हमें दुनिया है तो जहर रूप है तो कड़वी, लेकिन हमारे शरीर में माया का विष फैला हुआ है, इसलिए हमें दुनिया या संसार या संसार की जो नश्वर पदार्थ हैं, जो रोग के गढ़ हैं, जो मौत की तरफ ले जाने वाले हैं, जो संसार के जितने भी घटक हैं, जितने पदार्थ हैं, सारे के सारे बंधन कारक हैं, वे सब कड़वे हैं, हमारे लिए बंधन रूप हैं, लेकिन हमें जो है वो मीठे लगते हैं। तो संत फरमाते हैं कि जो तुम्हें मीठा लगता है उसको छोड़ो, जो हम कहते हैं वो करो,
यदि तुम्हें दुनिया मीठी लगती है तो अभी दुनिया का सेवन नहीं करना, और प्रेम कड़वा लगता है, हमें मुश्किल लगता है ना प्रेम, भाई प्रेम में तो बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है, प्रेम में तो मीरा की आँच सहनी पड़ती है, प्रेम में प्रीतम के अलावा बाकी सब रिश्ता तोड़ना पड़ता है, प्रेम में साचा होकर के लगना पड़ता है, वहाँ कपट नहीं चलती, वहाँ पे एक प्रीतम के अलावा और किसी के प्रति निष्ठा भी रखने की जगह नहीं है, तो वो हमें कड़वा लगता है। तो संत कहते हैं उस कड़वे प्याले को पी लो, अमर हो जाओगे। मीठे प्याले को दूर करो, तो प्रेम प्याला पी लिए जी, पलटू जब शीश उतारे धरे तब राह पिया की ली। पलटू साहब कहते हैं कि कड़वा प्याला, माया, माया के अनेक दोष, इनमें सबसे प्रधान क्या है, सबका सरदार अहंकार, यही है हमारा गर्व, यही है हमारा मस्तिष्क, जिसे हम उठा के चलते हैं, झूठी शान, झूठा दम, झूठी मान बजाए। तो पलटू साहब कहते हैं इसको गुरुदेव के दरबार के बाहर ही उतार के रखो, पलटू जब उसी से उतार करे तब राह पिया की ली। बाजी के दरबार में अंदर आने का रास्ता, जहाँ से बाजी के दरबार की फाटक है, जो बाजी के दरबार की एंट्रेंस है, अपने सिर को उसके बाहर ही उतार करके रखो, तब परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। यानी कि यदि बाजी का, बाजी के चरणों का प्रेम हासिल करना है, यदि बाजी की खुशी हासिल करनी है, यदि बाजी के दर्शन और बाजी की निकटता और बाजी की निरंतर सेवा और बाजी के निज दरबार में, बाजी की निज गोदी में पहुँचना चाहते हैं, तो दुनिया से दूरी बढ़ाते बढ़ाते दुनिया को छोड़ना है। ये जहर का प्याला है, इसे तो पी करके हम पहले से बेहोश है, मर ही रहे, इलाज करवाना है, इसको छोड़ करके प्रेम का कड़वा प्याला पीना है, अहंकार को छोड़ करके, जैसे शीश उतार करके जमीन पे सूर्य भी रख देता है, इसी तरह से अपने अहंकार को त्यागना है और पूरे संसार से उपरांता लाना, ये है ज्ञान दृष्टि का, विवेक के रास्ते का पहला कदम, और ये बाजी के दरबार की पहली शिक्षा, बाजी के स्कूल की पहली शिक्षा, जो आज कभी साल की वाणी बोलेगी कि चल सदगुरु की हार्ट ज्ञान भी लाई है, कीजे साहिब से प्रेम पर पाएगी, बाजी से प्रेम तो तभी हो पाएगा। दुनिया कहे जब तर्क किया तब बात किया की पूछी, तब तो प्रीतम की बात पूछने के अधिकारी होते हैं। तो यही कबीर साहब ने फरमाया कि ज्ञान दृष्टि लाइए, और ज्ञान दृष्टि का पहला सबक क्या है कि बात से प्रेम करना है, और बात से प्रेम करने की पहली आवश्यकता यह है कि दुनिया कहे जब तर्क किया, तर्क यानी दूर किया, दुनिया को हटाया अपने दिल से, बाहर से कहाँ से हटाएंगे, इसी हवा में रहना है, इसी जमीन पर रहना है, इसी आसमान के नीचे रहना है, यही प्रकृति माता हमारा भी पालन पोषण करती है, गृहस्थियों का भी करती है, भले आदमियों का भी करती है, सज्जनों का भी करती है, दुर्जनों का भी करती है, तो इसी के बीच में रहना है। लेकिन बीच से तर्क कैसे करना है, दूर कैसे करना है, दूर मन से करना है, ये ज्ञान दृष्टि है। तो ये बाकी के दरबार में है, यही शिक्षा मिलती है। आज की पहली शिक्षा यह है कि हम कोशिश करें बाप जी से प्रेम करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो संसार से प्रेम कम करने की कोशिश करो। बाप जी ने कहा एक ही बात है, बाकी काम हम कर देंगे, तुमसे जो हो सकता है वही करो। तो हम कहते हैं संसार छूटता नहीं, बाप जी कहते नहीं छूटता, तो कुछ कम करो, कम करो तो बाकी मदद हम कर देंगे। बहुत व्यवहारिक है संत मत, बाप जी की शिक्षा परम व्यवहारिक है, छूटी नहीं, इस बात को बाप जी पहचान गए, नहीं छूट पाएंगे, तो कम करना शुरू करो, छूटने की चिंता छोड़ो, हम छूटवा देंगे। तो ये कबीर साहब जी की वाणी है, पलटू साहब ने भी यही फरमाया, बाबी साहब ने भी यही फरमाया, और कोशिश करें। जब संत जगत से पधार जाते हैं तब वे अपने वचन में उपस्थित हमेशा रहते हैं,
वचन यानी उनकी आज्ञा उपदेश शिक्षा, ये बात की शिक्षा है। बाद में दया करें, हमें इस मार्ग पर चलने की हिम्मत सौ उमंग बरसें और इस पर चलाएं। इसी प्रार्थना के साथ।